कर पाता है। मान्यवर एमएसएमई के अंतर्गत समयावधि 15 दिन एवं अनुबंध होने की स्थिति में 45 दिन में भुगतान पूर्ण ना होने पर, जो मुख्य बिंदु है सर, 45 दिनों के अंदर भुगतान ना होने पर वर्ष के अंत में जो राशि देय रह जाएगी वह उस वित्तीय वर्ष के आय में जोड़कर आयकर की गणना की जाएगी। इससे व्यापारियों को अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। कुछ इकाइयां जो कि माल के उत्पादन एवं सेवाओं में संलग्न है एवं जिनकी वार्षिक टर्नओवर के 5 करोड़ रुपए तक है, एवं लघु इकाइयां जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है, एवं जिन्होंने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जो उसका भुगतान 15 दिन और अनुबंध की स्थिति में 45 दिन के अनिवार्य रूप से भुगतान करना अनिवार्य है, जिसका पालन कर पाना खरीदार व्यापारी के लिए संभव नहीं हो रहा है, जिससे लघु और मध्यम इकाइयों को कारोबार प्रभावित होगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आयकर अधिनियम की धारा 43 BH के प्रावधानों के निर्णय को अविलंब वापस लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में एमएसएमई से समयावधि के संबंध में किए गए अनुबंध को मान्यता दी जाए। मूल इसका सर यही है कि 45 दिन के अंदर, मतलब सपोज 15 फरवरी को अगर माल खरीद रहा है व्यापारी, एनी हाउ 31 मार्च तक उसको चुकता करना है आपने जिससे माल लिया है, 1.5 महीने का कंडीशन। अगर इन केस वो व्यापारी उस व्यक्ति को पैसा नहीं दिया जिससे खरीदा है, तो वो जो मान सपोज 2 लाख रुपए उसके बाकी है, तो 2 लाख उसके आय में जोड़ा जाएगा जो व्यक्ति खरीदा हुआ है। बहुत ही अनर्गल मतलब तरह का कानून आ गया है। इसीलिए ये हमारा व्यापार मंडल इसका पूरी तरह विरोध कर रहा है, आपसे मांग कर रहा है आपके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसमें हम लोगों की पूरी पूरी सुनवाई हो। हम थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, दिक्कत जी 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 जो बैलेंस हमारा बचेगा वो हमारे आय में चला जाएगा, आय में चला जाएगा, उससे बैलेंस तो रहेगा ही। 10 लाख का माल बेचा है, अब एक अच्छा बहुत खतरनाक है, चल 10 लाख माल हमने बेचा वो, और आप सब 2 लाख पाए, अब आप रकम लेके बैठ गए, हम ही करते हैं क्या पता नहीं वो क्या हो उसका बाद नहीं मिले कि ना मिले, और लेकिन नहीं भी मिलता है, नहीं भी मिलता है, बट कहते हैं नहीं आपके पास, लेकिन ऐसे मिला के सब मिला के मोदी को इतना वो कर दिया कि ये इसका क्या फर्क आपके ऊपर सेहत पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो तो जो चाहता है कर देता है सोचा, अब वो निकल गया समझता है इससे आगे निकल गए, अब ये सब करते रहेंगे, अब क्या फर्क पड़ता है। दूसरा जो विषय था, आज दुबई में बैन कर दे, सत्यनारायण मंदिर उद्घाटन हो गया, रोज टहाते हैं कमवा कब कर। माननीय सांसद जी एक छोटा सा विषय और था कि उनका मार्गदर्शन था कि साथ में जब आप जाएंगे तो ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे, चूंकि ये हम लोगों का पिछले 2 साल से इसकी लड़ाई पूरी तरह चल रही है, और उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से अगर ये जाएगा तो हम लोगों की बात पूरे प्रदेश में सुनी जाएगी। तो दूसरा जो विषय है UPGST के मतलब संबंधित है के द्वारा 2017 और 18 एवं जो 2018 और 19 के वादों की सुनवाई हेतु जारी किए जा रहे नोटिसों और उनमें व्याप्त विसंगतियों को समाधान कराए जाने के संबंध में अनुरोध है। तो इसके विषय में मतलब सारी चीज़ें लगभग कई बार हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं, लड़ाई हमारी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, तो इसका भी साथ में ज्ञापन हम लोगों ने बनाया। आप ऐसा करिए, ये जो है चिट्ठी आज ही रात को लिखेंगे, कल कॉपी ले लीजिएगा, हम भेज देंगे, हम मेल हो जाएगा, मतलब अपने अपनी कॉपी आप किसी को भेज के ले, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे भैया, आ जाएंगे हम, आ जाएंगे। तो इसके बारे में जी डिटेल पढ़े क्या, लगा करके माननीय सांसद जी भेज देंगे, 7 बिंदु खड़े हुई, अच्छा सा फोटो खिंचवाई, चल ठीक आइए।